शुरू हो गई और आज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज मासस से जगदीश रवानी जो है वो यहाँ पर नामांकन के लिए पहुँच चुके हैं और ये पीछे जो आप भारी संख्या में लोग देख रहे हैं वो उनके साथ नॉमिनेशन में आए हुए हैं और यहाँ पर लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। भारी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर जगदीश रवानी पहुँच चुके हैं नॉमिनेशन करने के लिए। कल ही से नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। आइए हम बातचीत करते हैं यहाँ पर लोगों से और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ है आज काफी संख्या में लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है इस बार चुनाव को लेकर क्या माहौल है? इस बार चुनाव का यही माहौल है कि जनता चाह रहा है कि मार्क्सवादी समाज समेत जो और मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, राय साहब, विनोद बाबू, शिवू सोरेन का जो विचार था उस विचार के साथ पूरे लोग धनबाद लोकसभा में लोग जुट गए हैं कि अगर मार्क्सवादी फिर सरकार नहीं आ रहा है हम लोग धनबाद लोकसभा में तो हम लोग का जो बेरोजगारी समस्या है, शिक्षा का समस्या है, ये सब दूर नहीं होगा और जो विकास का जो समस्या है वो समस्या हल नहीं होगा। तमाम जो है क्रांतिकारी जो धनबाद से रहे उन लोगों को लेकर जो भी तमाम मुद्दे हैं उसको लेकर ये आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि धनबाद की जनता बदलाव देखना चाहती है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। हालांकि साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि आज भी इतनी गर्मी है, प्रचंड गर्मी होने के बावजूद भी काफ़ी उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है और सुबह से ही यहाँ पर कार्यकर्ताओं की ओर से इंतजार किया जा रहा था कि कब वो नॉमिनेशन के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। फिलहाल ढोल नगाड़ों के साथ सैकड़ों की संख्या में महिलाएँ भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं और तमाम लोगों के अंदर एक उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि अब जब से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, आपको बता दें कि कल विधायक डुल्लू महतो जो भाजपा के प्रत्याशी है उन्होंने नॉमिनेशन किया था। आज यहाँ पर ये उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह जो है वो भी यहाँ पर आज पहुंचेंगी और वो भी नामांकन करेंगी। अब धीरे धीरे जो है वो चुनावी तपिश बढ़ने लगी है। कुछ जहाँ प्रचंड गर्मी है तो वही चुनाव की सरगर्मी भी धीरे धीरे तेज होती नजर आ रही है। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शाम्भवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।